मथुरा शाही ईदगाह मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देवकी नंदन महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वर्शिप एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में डाली पिटिशन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रख्यात भागवताचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है पिटिशन और पिटिशन के स्वीकार करने पर अब निर्णय होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पिटिशन के स्वीकार करने पर अब आगे निर्णय होगा। देवकी नंदन महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं देवकी नंदन महाराज, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिटिशन के स्वीकार करने पर अब आगे निर्णय होगा। वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली गई है। प्रख्यात भागवताचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं, जहां मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देवकी नंदन महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, प्रख्यात भागवताचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की है वर्शिप एक्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली गई है जिस पर अब स्वीकार करने को लेकर के अब इसमें आगे निर्णय होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वेद प्रकाश गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश, मथुरा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है शाही ईदगाह मस्जिद पर, बड़ी जानकारी। देवकी नंदन महाराज अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं वर्शिप एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। तो देखिए, देवकी नंदन महाराज प्रख्यात कथावाचक हैं, वृंदावन में उनका मंदिर है, आश्रम है, बहुत बड़े फॉलोअर्स और श्रद्धालु उनके भक्त हैं। तो उन्होंने वर्शिप एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट को अमान्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी पुराने जो मंदिर हैं जिन पर विवाद चल रहा है वो निर्विवाद रूप से हिंदुओं के मंदिर हैं, जहां उनके मंदिरों को तोड़कर दूसरे धर्म के लोगों ने अपने पूजा स्थल बना लिए हैं। तो इसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है, चाहे वो शाही ईदगाह की बात करें, चाहे ज्ञान बाबी मस्जिद की बात करें, तो सारे बिंदुओं को लेकर उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी याचिका जो है, उनका पिटीशन स्वीकार होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। और इससे पहले भी लगातार वो शाही ईदगाह ज्ञानवापी इन मुद्दों को लेकर बयानबाजी करते रहे, लगातार चर्चाओं में रहे हैं और हिंदू जो भी मंदिर हैं, जो भी जहां भी विवाद है उनके पक्ष में लगातार ठाकुर देवकी नंदन महाराज बोलते रहे हैं, मुखर रहे हैं। जी वेद प्रकाश, देखिए पिटीशन स्वीकार करने पर आप आगे निर्णय लिया जाएगा, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, इन्होंने से अभी हाई कोर्ट में मसला चल रहा है, मथुरा की अदालत में मामला चल रहा है, अब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है इनकी पिटीशन स्वीकार हो पाती है या नहीं हो पाती है, कहीं वापस इन्हीं मामलों में के साथ तो मर्ज नहीं कर दिया जाता है। लेकिन अगर इनकी पिटीशन स्वीकार होती है और वर्ष एक्ट पर अगर सुनवाई हो गई और पक्ष में फैसला आ गया, तो ये एक बड़ा निर्णय होगा, जितने भी विवाद चल रहे हैं उन सब के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय साबित हो सकता है, इसीलिए वो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। जी जी वेद प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। देवकी नंदन महाराज अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने वर्शिप एक्ट के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शाही ईदगाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।